विश्वनाथ और प्रशांत भाई भी खड़े थे इंतजार करते हुए मोदी साहब का। दोस्तों, मेरे देश भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुबली कर्नाटक आए हुए थे नेशनल यूथ फेस्टिवल के इनॉग्रेशन के लिए। और देखिए किस तरह से जोश से भरपूर था पूरा शहर और किस तरह से उनका स्वागत किया गया हुबली शहर में। दोस्तों, ये दिखाता है कि जनता के अंदर उनके प्रति क्या सम्मान है या क्या उनमें उत्साह है कि प्रत्यक्ष वो नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए इतनी भारी संख्या में शहर में सड़कों के आसपास एकत्र हुए थे। दोस्तों, अमूमन मैंने दुनिया में देखा है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ही शक्तिशाली पद मिलता है और वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है तो ये पद और प्रसिद्धि के नशे में वो इंसानियत भूल जाता है और उसमें एक अजीब सी अकड़ आ जाती है। दोस्तों, उस अकड़ में उसे अपने आसपास के इंसान भी दिखना बंद हो जाते हैं। विश्वनाथ और प्रशांत भाई भी खड़े थे इंतजार करते हुए मोदी साहब का। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिएगा श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं, भारत के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ विश्व में बहुत ही ज्यादा इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त है, इतनी शक्ति और प्रसिद्धि के बावजूद वो घंटों अपनी कार पर खड़े हुबली और देशवासियों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। 72 साल की उम्र है श्री नरेंद्र मोदी जी की। इस एज में भी दोस्तों घंटों इस तरह से खड़े रहकर अपने देशवासियों का अभिवादन स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, एक आम आदमी के लाइफ में जब उसे कोई प्रमोशन मिलती है या पद मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, तो वो बिल्कुल उसके नशे में चूर हो जाता है। दोस्तों, और श्री नरेंद्र मोदी जी से ये सीखने को मिला कि किस तरह से शक्ति और प्रसिद्धि होने के बावजूद भी किस तरह से संयम से और संतुलन में रहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों।